25 अप्रैल को CMHO द्वारा बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें अजीज नामक मरीज की मौत बताई गई थी और कई अखबारों में भी उसके मृत होने की खबर छपी थी। लेकिन अजीज आडीगाड़ी अस्पताल में जिंदा था और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो भी जारी हुआ। अजीज द्वारा खुद ने अस्पताल में वीडियो बनाकर खुद ने ही डाला और कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ। अस्पताल की कार्यशैली पर भी उसने सवाल उठाए थे, लेकिन अजीज जिनवाल आज तारीफ करते हुए नहीं रुक रहे हैं। आडीगाड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आज 22 मरीजों को कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने पर छोड़ दिया गया। उनमें 26 वर्षीय अजीत जिनवाल भी शामिल हैं। अजीत जिनवाल 23 अप्रैल को कोरोना के लक्षण आने पर आडीगाड़ी लाए गए थे। यहां पर रहते उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उन्हें कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया। जिला प्रशासन द्वारा आडीगाड़ी की व्यवस्था अपने हाथ में लेने के बाद अजीत जिनवाल का आडीगाड़ी में बेहतर उपचार हुआ। समय पर पौष्टिक भोजन, दवाइयाँ, चिकित्सा कर्मियों की सेवा के चलते उनकी सेहत में सुधार होने लगा। 14 दिन के बाद उपचार के बाद उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके 24 घंटे बाद उनकी रिपोर्ट फिर से जांच की गई, दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आज उन्हें घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। स्वस्थ होने के बाद अजीज मियां प्रफुल्लित हैं और आडीगाड़ी की प्रशंसा करते हुए नहीं रुक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। 2 दिन पहले मुझे कोरोना के उसमें मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ मैंने चेकआउट कराई। मैं, मेरी मम्मी और मेरा भांजा तीनों लोग गए थे। मुझे वहाँ से इन्होंने आडीगाड़ी शिफ्ट कर दिया। अभी तक मेरी रिपोर्ट कंफर्म ये नहीं आई है। कोई बोलता है पॉजिटिव है, कोई बोलता है नहीं है। रात को कभी बोलते हैं पॉजिटिव वालों के साथ चले जाओ, कभी बोलते हैं यहाँ चले जाओ। इस हॉस्पिटल में व्यवस्था के नाम पर कोई कुछ भी नहीं है, ना पर्याप्त स्टाफ है ना कुछ है। दूसरी बात, आज सुबह भास्कर के अंदर दे दिया गया कि मुझे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मैं आपके सामने पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कृपया करके मेरा निवेदन है, मेरे वीडियो को आगे तक पहुंचाएं और यहाँ पे व्यवस्था सुधारें या मुझे यहाँ से निकालने का प्रयास करें। और मैं यहाँ पे 23 तारीख के दिन एडमिट हुआ था आके। जब आया था तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था थी, पर जैसे ही रावत साहब ने प्रभार संभाला तो व्यवस्था एकदम अच्छी हो गई है। अभी किसी तरह की पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है। मैं पूरे स्टाफ का और सबका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन लोगों ने हमारी खूब सेवा की, टाइम टाइम पर दवाई गोली खिलाई और इन्हीं की बदौलत हम आज स्वस्थ। जिस दिन आए थे उस दिन हमारी तबीयत खराब थी, आज हम स्वस्थ हैं। इस बीमारी से हम लड़े हैं तो इसका मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ हॉस्पिटल के स्टाफ को, उन लोगों को जिन्होंने हमारी रात दिन मेहनत करी है। यहाँ अभी किसी कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरा मैसेज सर मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जिन्होंने ये करा है कि उनको सर्दी खांसी हो रही है और वो इस डर से बाहर नहीं आ रहे हैं कि हम अस्पताल जाएंगे तो 15 दिन हमारे साथ क्या होगा। तो मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से रखेंगे और आपकी बीमारी को ठीक करेंगे। तो कृपया करके अगर आपको थोड़ी भी सर्दी खांसी या कुछ है तो आप घर में ना रहें और तुरंत माधवनगर जाके चेकिंग।